हाय गाइस, फ़िलहाल में हम लोग हैं अंबेडकर पार्क लखनऊ में, जो कि गोमती नगर पास स्थित है। अभी ये सामने वहाँ का टिकट काउंटर है और जस्ट सामने आपको फुहारा दिख जाएगा। ये रहा फुहारा, फुहारा काफ़ी अच्छा है और शाम भी हो चुकी है, अभी सूरज ढल रहा है। जब हम इस समय आए हुए यहाँ पे, ये सूरज ढलता हुआ व्यू है आपको दिख जाएगा एक। और सामने अंदर का जाने का गेट है और वो सामने एंट्री का गेट है टिकट काउंटर के आसपास के लिए, माने के लिए। ये फुहारा है, पार्क में काफ़ी ज़्यादा फुहारे लगाए गए हैं ताकि पार्क की शोभा बढ़ाई जा सके। फुहारे का आपको काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मिल जाएगा पूरे पार्क में, हम आपको दिखाएंगे अंदर क्या क्या है। और फुहारे ज़्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादा कि पानी पानी दिख रहा है हमें तो। अभी चलते हैं, ये टिकट काउंटर के आसपास का व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये व्यू, ये पार्क के अंदर का व्यू है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस समय दूर दूर तक कुछ लोग दिख रहे हैं आपको। मेरा छोटा भाई है जो सामने जा रहा है हमारे, और ये छोटा भाई है हमारा। और ये पार्क के अंदर का व्यू है। अभी हम जा रहे हैं म्यूज़ियम में, मैं आपको बताता हूँ म्यूज़ियम कैसा है। ये रहा म्यूज़ियम, हम म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं फ़िलहाल में। यहाँ आपको कुछ भीमराव, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति दिख जाएगी आपको। और यहाँ मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा लगाई गई हैं, उसमें मायावती की मूर्ति है और बाबा साहेब की मूर्ति है। जैसे कि सामने बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और जस्ट इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है, उन्हें कुछ अवार्ड दिया जा रहा है, ऐसा मूर्ति यहाँ पे लगाया गया है। जस्ट सामने भी एक चित्र जैसा लगा हुआ है, फोटोग्राफी जैसे शूट की, फोटोग्राफी जैसा लगाया गया है, मतलब फोटोग्राफी तो नहीं हो फिलहाल में, नक्काशी काम किया गया समझो, मूर्ति बनाई गई है समझ लो। ये मूर्ति ही है, नक्काशी काम तो नहीं बोल सकते इसे, मूर्ति ही है। सामने एक मूर्ति है, यहाँ पे झूमर लगाया गया है ताकि अच्छा दिखे वो, उसके लिए ये गुंबद है यहाँ का। और ये जस्ट कुछ लोग आए हुए हैं घूमने के लिए म्यूज़ियम के अंदर। और ये छोटा भाई है, जस्ट पीछे एक मूर्ति है उसकी। और अभी हम आगे चलते हैं तो आगे एक मायावती जी की फ़ोटो आएगी। ये वही वाला फ़ोटो है पुराना वाला, मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये ऊपर का सीन है यहाँ के, छोटा बच्चा फोटोग्राफी कर रहा है अपना। हम आगे चलते हैं तो आगे भी कुछ मूर्तियाँ आएंगी, जिसमें से एक ये मूर्ति है जो मैं आपको दिखाया था। और आगे चलते हैं तो आएंगी बहन कुमारी मायावती श्री, ये डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही है। यहाँ कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं अपना अपना। हम चलते हैं आगे तो आगे आएगी लाइब्रेरी का फ़ोटो। ये रहा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लाइब्रेरी में बैठे, उसकी मूर्ति है एक जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। आगे चलते हैं हम तो आगे आएंगी एक मायावती की फ़ोटो आएगी, तो मूर्ति ही है, फ़ोटो नहीं है वो। मायावती जी आएंगी और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की फैमिली फ़ोटो भी आएगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे चल के चलते हैं हम आगे। ये हम आगे बहन कुमारी श्री मायावती का एक यहाँ पे मूर्ति लगा हुआ है, जस्ट पीछे आपको एक नक्शा दिख जाएगा, पता नहीं किस चीज़ का है नक्शा वो। यहाँ कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं नक्शे के साथ में खड़े होके। ये रहा नक्शा वो जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ फिलहाल में। हम यहाँ से चलते हैं पीछे साइड में तो वहाँ पर आपको एक फैमिली फ़ोटो दिखेगी भीमराव अम्बेडकर की, जो कि हमारे देश का संविधान रचयिता है। ये रही बहन कुमारी मायावती जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं आगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ देखने लायक कुछ खास है नहीं जो देखने योग्य हो। हम चलते हैं आगे तो यहाँ पे आपको कुछ झूमर दिख जाएगा, झूमर जैसा ही है यहाँ रखा हुआ है, जिसमें हाथी के कुछ सर लगे हुए हैं। हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर की फैमिली फ़ोटो आएगी, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके सुपुत्र और उनकी पत्नी और एक कुत्ता बैठा हुआ है। ये फ़ोटोग्राफी में काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफी है ये, फ़ोटोग्राफी क्या है, मूर्ति है एक प्रकार की, जिसे हम फोटोग्राफी बोल रहे हैं बार बार, लेकिन ये मूर्ति मूर्ति ही, फोटोग्राफी नहीं बोल सकते इसको। अभी हम आगे चलते हैं तो आगे यहाँ झूमर लगा तो आपको दिख जाएगा हर जगह, जो काफ़ी ज़्यादा लाइट दे रहा है मूर्तियों के ऊपर, और उससे मूर्ति ज़्यादा अच्छी दिख रही है, मूर्ति पर क्लैरिटी आ रही है। ये यहाँ मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा हुई है, मुस्लिम महिला ज़्यादा थी यहाँ पर, हिंदू कम थे यहाँ पर, क्योंकि ये पार्क डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम बना हुआ है। लोग जातिवाद ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें जातिवाद ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, अपने काम से काम करना चाहिए। देखो हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है, हम पार्क घूमने आए, आप जातिवाद करने थोड़ी ना आए। और सामने एक मूर्ति लगी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है, एक बच्ची जा रही है आगे से एरोप्लेन लेके अपना। म्यूजियम से निकल चुके हैं, ये म्यूजियम से निकलने का सीन है और ये गार्डन का व्यू है, आप सामने देख सकते हैं हाथी वीथी लगी हुई है, गार्डन का व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अभी हम ऊपर, मैं आपको वहाँ से दिखाऊंगा क्या व्यू है यहाँ का, दूर दूर का नज़ारा क्या है, वहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, पार्क का नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
पार्क जो कि लखनऊ में स्थित है गोमती नगर के आसपास में, वहाँ पे है फिलहाल में हम जा रहे हैं अभी आगे ऊपर, तो दिखाते हैं आपको ऊपर का क्या तस्वीर है। यह है एग्जिट गेट, वहाँ से हम एंटर किए थे और यहाँ से हम एग्जिट किए। हाँ, जस्ट ऊपर एक महल जैसा कुछ बना हुआ है, वहाँ जा रहे हैं फिलहाल में। चलिए चलते वहाँ पे, देखते हैं वहाँ का क्या तस्वीर है। ऑल ऑफ अट्रैक्शन बढ़िया है उस, यहाँ ए बी गार्डन, लेकिन ठीक ही है, नाम के ऊपर कुछ नहीं लिखा नाम छोड़ दो। ब्राह्मणों को आने के लिए लायक नहीं, आने लायक नहीं बोले थे, बहुत कुछ नहीं है पार्क में। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के ऊपर का व्यू। अभी हम आ चुके हैं ऊपर जस्ट, हमारे भाई बंद लोग हैं और हम साथ में हैं, मतलब अगर आप थोड़ा सा जातिवाद में विश्वास करते तो आपके लायक नहीं, लेकिन जातिवाद करना नहीं चाहिए हमें लगता है। भी काफ़ी अच्छा है, कटवे जा रहे हैं साले यहाँ पे मुस्लिम साले, फिर भी चलो देख लो, हमें यहाँ मुस्लिम नहीं थोड़ी करना है, हम तो अपने काम से हैं, मैं काम से निकल रहा है यहाँ पे। बड़े अच्छा है, हाँ जी, यहाँ का ऊपरी का व्यू है, अपने ऊपर सिंगल मनी खर्चा किया गया, कुछ नहीं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा हाथी उथी लगाए हुए हैं उन्होंने, सिर्फ अपना अपना देखा गया है। यहाँ पे बीएसपी की जो है श्री बहन कुमारी मायावती, उनके राज में बनवाया गया था ये पार्क। पार्क तो अच्छा है लेकिन नेम सही नहीं दिए हैं, और उन्होंने यहाँ अपनी मूर्तियाँ लगवाई हुई हैं काफ़ी हद तक। पार्क का ऊपर का गुंबज है, दिखा देते हैं ऊपर जाके पार्क का बाकी का क्या है। ऊपर का व्यू थोड़ा बहुत, ये पूरे पार्क का ऊपर का व्यू है, यहाँ से पूरा पार्क दिखता है। यहाँ उसे आप तो, मैं दो नंबर कर दूँगा पहले इसको, तो जूम कर लेता थोड़ा सा मेरा जूम, यहाँ से आप पूरा पार्क देख सकते हैं। ये पार्क है, ये बीच में जो म्यूजियम है उसके ऊपर जाके खड़े हो चुके हैं समय, यहाँ से हम आपको पार्क दिखा रहे हैं। ये रहा पार्क, पीछे का कुछ एरिया है और कुछ एरिया आगे के, ज़्यादा बड़ा नहीं है वैसे, ये ज्ञानेश्वर पार्क छोटा ही है लेकिन फिर भी काफ़ी है। इसमें कुछ ज़मीनें अवैध हैं जो कि यूपी गवर्नमेंट तोड़ने के आदेश है, जल्दी तोड़ लेगी इसको भी। अच्छा है लगला के रखता है, बाकी जो है सो है, वैसे स्टाइल लोग काफ़ी यहाँ पाए हुए, बढ़िया है। ये पार्क का पीछे का व्यू है, ये रहा पार्क का पीछे का व्यू। हाँ आप ये देख रहे हैं, कुछ खास नहीं पार्क में, नॉर्मल चीज़ें हैं, छोटा ही है काफ़ी, ठीक है बनाया तो अच्छा ही है। और ये यहाँ का ऊपर वाला गुंबद जहाँ हम खड़े हैं फिलहाल में, और ये एक ये गुंबद जो इंडिया के तीन अलग अलग कलर से मिलकर बना हुआ है, और ऊपर लाइट लगाई गई है, और गुंबद का कलर रेड कलर का है। यहाँ से हम आगे लग देखें मेरे को तो, ये पीछे का एरिया है बस, दिख रहा है ना व्हाइट कलर का एक गुंबद तो कुछ कलर सा, वहाँ तक एक गार्डन फैला हुआ है। विस्तार काफ़ी ज़्यादा है, मेरा फ़ोन बहुत कम चार्ज है, मैं जितना सूट कर पा रहा हूँ अच्छी बात है, 90% फ़ोन चार्ज है। वैसे गुंबद कहीं बनाया गया यहाँ पे, ऐसा लगता है गुंबद सूरज द्वारा प्यार था। इस साइड का व्यू है, जस्ट ये साइड का ही व्यू है, मैं आपको ऊपर दिखा चुका हूँ लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये साइड का व्यू है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है यहाँ से, फोन भी चार्ज नहीं है हमारा, फिर भी हम जितना दिखा पा रहे थे आपको दिखाते हैं। यहाँ ज़्यादा हमें मज़ा नहीं आ रहा घूमने में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पेड़ कम और मूर्तियाँ पत्थर ज़्यादा लगाए गए हैं, समझे ना। और इसमें हम लखनऊ के सबसे टॉप एरिया में गोमती नगर, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा एरिया है, सबसे जाना माना एरिया है, हम मतलब
अमीरों का एरिया सब कह सकते हो। हाँ ये है, ठीक है, अगर कुछ दिखाने होगा तो आपको दिखाता हूँ आगे वीडियो में। इतना यहाँ कुछ खास नहीं है। ये है लखनऊ का डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर आंच पार्क। अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ये सामने का व्यू है जहाँ से हम घुसते हैं इस पार्क के अंदर। क्या मेरे कुछ प्रॉब्लम आ रही लगता है? हाँ सही हो गया, ठीक है। ये सामने का व्यू है और अभी जहाँ जिसके ऊपर हम थे ना वो ये घर था, हम यहाँ से शूट कर रहे थे। और ये म्यूज़ियम है अंदर, वहाँ ये जो सामने का व्यू है वो जो रेड वाला है वो म्यूज़ियम था वहाँ पे। और ये जो सामने का व्यू है, आपको दो गुंबद दिख रहे होंगे सामने, और वो सामने एंट्री गेट। ये बड़ा भाई है मेरा जो आगे जा रहा है, जस्ट ये वाइट शर्ट वाला। अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से, इस पार्क से, क्योंकि हमारा यहाँ घूम के मन भर चुका है। अब वो सामने एक फुहारा लगा हुआ है जस्ट, और अभी आपको दिखाते हैं आगे चल के कि आगे क्या क्या आने वाला है। यहाँ पे ये कुछ लाइटें लगी हुई हैं यहाँ पे येलो येलो कलर की, और ये गुंबद आपको दिख जाएगा यहाँ सामने। ये रेड कलर का गुंबद है जिसमें म्यूजियम है, और सामने कुछ लोग खड़े हुए हैं शूट कर रहे अपना फोटोग्राफी। और आगे आपको गुंबद ज़्यादा दिखेंगे पार्क में, क्योंकि गुंबद से कुछ है नहीं पार्क में। और सामने वो गेट रहा जिसमें जूम कर रहा हूँ कब से, वो सामने गेट रेड कलर का। अभी हम बाहर निकलने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि ये पार्क में हमें घूमते 2 घंटे हो गए लगभग। हम 2 घंटे में पार्क पूरा घूम चुके हैं, हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अब हमारा मन भर चुका है इस पार्क से। पार्क की फ़ीस तो 15 रुपये है, लेकिन देखने जैसा कुछ खास नहीं है इसमें। सिर्फ वही हाथी, वही मायावती और वही गुंबद, उसके साथ कुछ है नहीं पार्क में। जो बात है वो साफ जूम करके आपको दिखा सकता हूँ। 2 गुंबद आपको दिख रहे होंगे सामने, और एक रेड कलर का छोटा सा वो गुंबद दिख रहा है। बस गुंबद सिवाय कुछ है नहीं पार्क में, और सिर्फ पत्थर से पूरा कारीगरी की गई है पार्क में। चल निकलते हैं बाहर यहाँ से, देखते हैं आगे क्या होता है। हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं कुछ मिनट में, तब तक वीडियो आपको शूट करके दिखाई देते हैं। नाइट लाइट चालू हो चुका था। ये रहा बाहर का गेट जहाँ से हम अंदर एंट्री किए थे। नाइट में कुछ ऐसा दिखता है, ये गेट काफ़ी अच्छा दिख रहा है नाइट में। हाँ दिन से लगभग गुना अच्छा।